हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के MCQs, जो हमारी लीगल डोज है। डेली हम डिस्कस करते हैं जुडिशरी एग्जाम के लिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन। जो सेक्शन 10 है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी के बारे में, कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में। तो सेक्शन 10 आपका किस चीज़ के ऊपर बेस है? ऑप्शन ए रूल ऑफ ईयर से, ऑप्शन बी रूल ऑफ रेस जस्ट से, ऑप्शन सी रूल ऑफ एजेंसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गाइस? ऑप्शन जल्दी बताइए, ऑप्शन सी रूल ऑफ एजेंसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक जो कॉन्स्पिरेटर होता है उसने कोई बात कर दी तो वो दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में हम उसको रेलिवेंट मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9। जो हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है वो कौन से सेक्शन में रेलिवेंट होते हैं गाइस, जल्दी बताइए? क्योंकि सेक्शन 6 में तो हमने वो पढ़ा है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टे, सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है। सेक्शन 7 आपकी ओकेजन कॉज इफेक्ट की बात करता है, और सेक्शन 8 आपकी मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सबसिक्वेंट कंडक्ट की बात करते हैं। सेक्शन 9 आपकी बात करते हैं नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन सी में होगी? सेक्शन 9 में होगी, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कर रही है या आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कोरोबरेटिव एविडेंस कैन बी यूजफुल। कोरोबरेटिव एविडेंस यूजफुल कब होते हैं हमारे? ऑप्शन ए व्हेन देयर इज़ नो सब्सटेंटिव एविडेंस, ऑप्शन बी व्हेन देयर इज़ नो अदर एविडेंस एज ए रूल ऑफ नेसेसिटी, ऑप्शन सी व्हेन देयर इज सम सब्सटेंटिव एविडेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एविडेंस नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है इसका, जल्दी बताइए आप मुझे? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी व्हेन देयर इज सब्सटेंटिव एविडेंस। कोरोबोरेटिव एविडेंस हमारे तभी यूजफुल होंगे जब आपका सब्सटेंटिव एविडेंस होगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मे बी, ऑप्शन ए प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑप्शन बी अटेस्टेड और अनअटेस्टेड, ऑप्शन सी पब्लिक और प्राइवेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कौन कौन से होंगे इसके अंदर से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी, सेकेंडरी, अटेस्टेड, अनअटेस्टेड, पब्लिक और प्राइवेट, ये सारे सारे के आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल फैक्ट? फिजिकल फैक्ट कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए मोटिव, ऑप्शन बी गुड फेथ, ऑप्शन सी इंटेंशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी मुझे इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कोई भी फिजिकल फैक्ट नहीं है आपका, ये सारे के सारे मेंटल फैक्ट है। मोटिव, गुड फेथ एंड इंटेंशन सब मेंटली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रिजम्पशंस ऑफ फैक्ट आर, जो फैक्ट्स की प्रिजम्पशंस होती हैं, ऑप्शन ए रिबटेबल, ऑप्शन बी रिबटेबल और इरिबटेबल, ऑप्शन सी ऑलवेज रिबटेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फैक्ट्स की प्रिजम्पशंस कैसी होती हैं आपकी? हमेशा रिबटेबल होती हैं, ऑलवेज रिबटेबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फैक्ट्स कैन बी, फैक्ट्स आपके किस प्रकार के हो सकते हैं? ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल, ऑप्शन सी फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन भी, एग्जाम में भी कई बार ही आया हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फैक्ट्स आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एविडेंस मीन्स टेस्टिमनी? ऑप्शन ए डायरेक्ट एविडेंस, ऑप्शन बी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो टेस्टिमोनियल एविडेंस कौन सा है आपका? करेक्ट आंसर बताइए, ऑप्शन ए डायरेक्ट एविडेंस आपके टाइप्स ऑफ एविडेंस होते हैं जिनको हम टेस्टिमोनी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एन एडमिशन बाई एन एजेंट इज एडमिसिबल इन, अगर कोई एजेंट एडमिशन कर लेता है तो वो एडमिशन एडमिसिबल कौन से केसेस में होगा? ऑप्शन ए क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन बी सिविल केसेस, ऑप्शन सी बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एडमिशन बाय एजेंट कौन से केसेस में आपका एडमिसिबल होगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या गाइस? ऑप्शन सी, सिर्फ सिविल केसेस में ही आपका एडमिसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कन्फेशन मस्ट बी, कन्फेशन जो हमारा होता है सेक्शन हम 24 से
करना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 30 तक। तो वो आपका कन्फेशन आपका कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए सेल्फ इनकल्पेटरी, ऑप्शन बी सेल्फ एक्सकल्पेटरी, ऑप्शन सी ईदर ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गाइस? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए सेल्फ इनकल्पेटरी होना चाहिए आपका कन्फेशन हमेशा। और ये हमारा लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर है इस वीडियो में लॉ ऑफ एविडेंस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ, तो करेक्ट आंसर है इसका लेक्स फोरी, लॉ ऑफ द फोरम। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका क्वेश्चन का जवाब आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं देने में। क्वेश्चन क्या आपका? एल ई बी लिटरली मीन्स, ऑप्शन ए देयर, ऑप्शन बी एल्सवेयर, ऑप्शन सी हेयर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। आप ये भी मुझे बताएंगे कि कौन से सेक्शन में प्ली ऑफ एलेबल ली जा सकती है, इसका जवाब हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम के ऊपर भी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। थैंक यू अलॉट।